आज के क्लास में हम लोग माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में रिजिड रोटेटर्स के लिए एनर्जी का फॉर्मूला ई बार रोटेशनल इज इक्वल टू ई जे जे प्लस वन सेंटीमीटर इनवर्स का डेरिवेशन लिखेंगे। बच्चों एक
फॉर्मूला होगा एल इक्वल्स टू रूट जे जे प्लस वन एच अपॉन टू पाई, एच अपॉन टू पाई। अब यहाँ पर नहीं कम होना कि जे सबसे पहले आई, उसके बाद एल, उसके बाद जे। आई मोमेंटम इनर्शिया, एल एंगुलर मोमेंटम, और नया जो टर्म यहाँ पर यूज कर रखा हमने जे। यहाँ जे बता रहा है रोटेशनल क्वांटम नंबर को, रोटेशनल क्वांटम नंबर को। तो बच्चों तीन फॉर्मूले, इसके बाद हम लोग इस तरफ आते हैं जहाँ रोटेशनल एनर्जी का फॉर्मूला इस एटॉमिक मॉलिक्यूल की रोटेशनल एनर्जी बराबर होगी ई रोटेशनल इज इक्वल्स टू एक बटे दो आई ओमेगा स्क्वायर, आई ओमेगा स्क्वायर। बच्चों इसी को मॉडिफाइड करना था, हमने इस इक्वेशन को आई से मल्टीप्लाई किया और आई से डिवाइड भी कर दिया, तो आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई का स्क्वायर हो जाएगा, और आई का स्क्वायर होने के बाद इस पूरी इक्वेशन को आई से डिवाइड भी करेंगे। आई मिस मोमेंटम इनर्शिया, तो पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन नया बन गया है, वो ये आएगा आई रोटेशनल इज इक्वल्स टू एक बटे दो आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और आई। बच्चों हमको पहले से पता है कि एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है आई ओमेगा के, तो यहाँ पर आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को एल से रिप्लेस करवाएंगे। यहाँ पर देखिए एल बराबर होता है आई ओमेगा, तो आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर का मतलब एल का स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ई रोटेशन बराबर एल बटे दो एल स्क्वायर को आई। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमने इक्वेशन पाँच लिखा। बच्चों पहला इक्वेशन एंगुलर मोमेंटम पर था, मोमेंटम इनर्शिया को बता रहा है, दूसरा एंगुलर मोमेंटम को, तीसरा एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, और चौथा रोटेशनल एनर्जी को बता रहा है। चौथे को ही हम लोग यहाँ तक पहुँचा है। यहाँ पर एल का मान रखेंगे, एल का मान कि एल क्वांटाइज्ड है, एल का मान समीकरण तीन, ये समीकरण तीन यहाँ पर है, तो एल का मान समीकरण तीन से समीकरण पाँच में रखेंगे, तो रखा जाएगा तो पी रोटेशन बराबर एक बटे दो इंटू एक्स स्क्वायर फोर फोर वाई स्क्वायर इंटू जे जे प्लस वन। इसको दो को चार से मल्टीप्लाई करेंगे तो आठ एट, तो दोबारा से इसको लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर फोर एट वाई स्क्वायर आई इंटू जे जे प्लस वन। बच्चों ये जो एनर्जी आई है ये जून में आई है, जून में आई है, और अब जो फर्दर काम होगा वो सिर्फ इतना सा होगा कि हमको प्रोफेशनल
बच्चों रोटेशनल क्वांटम नंबर जे, रोटेशनल क्वांटम नंबर जे का मान जीरो से लेकर के कुछ भी वैल्यू आ सकते हैं, जीरो से लेकर के कुछ भी वैल्यू आ सकते हैं। तो देखते हैं क्या क्या वैल्यू फुट करने पर कैलकुलेटर कितनी कितनी आती है। बच्चों अगर जे का मान जीरो मान लिया जाए तो ई रोटेशनल बार बराबर बी इंटू जीरो जीरो प्लस वन बराबर जीरो। इसका मतलब अगर रोटेशनल क्वांटम नंबर जीरो होगी तो रोटेटर की रिजिड रोटेटर की रोटेशनल एनर्जी की वैल्यू भी जीरो ही आएगी। अगर जे का मान एक रख दिया जाए तो ई रोटेशनल बाय बच्चों एक चीज का ध्यान और रखना, ई रोटेशनल की जगह हम लोग ई जेड बार भी लिख सकते हैं और जे का वैल्यू अगर जीरो लिखा है तो ई जेड को हम लोग जे बराबर जीरो होने पर जीरो भी लिख सकते हैं। तो बच्चों इस बात का बहुत ध्यान रखना आपको कि ई रोटेशन की जगह ई जे भी लिखा जा सकता है और जे का जो भी मान हम लोग रखते हैं जीरो से लेकर तो कोई भी पूर्णांक वो यहाँ पर लिखा जाएगा। सपोज कीजिए मैं इसको जीरो लिखता हूँ तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ ना कि जीरो बार, अभी जीरो बता रहा है कि रोटेशन मान नंबर का मान जीरो था। अगर मैं एक मान लेता हूँ तो यहाँ पर एक लिखूंगा एनर्जी आएगी बी इंटू वन और वन प्लस वन बराबर टू बी, वन प्लस वन टू बी आएगी। और ऐसे करके इसको मैं दो लिखता हूँ तो ई टू बार बराबर बी इंटू टू टू प्लस वन कितना टू प्लस सिक्स सिक्स। तो बच्चों इसी तरीके से हम ई थ्री बार बराबर बी इंटू थ्री थ्री प्लस सभी प्रोफेशनल क्वांटम नंबर्स के लिए हम लोग प्रोफेशनल एनर्जी की वैल्यू बता सकते हैं। तो जीरो वाले की जीरो, वन वाले की टू भी, थ्री वाले टू वाले की सिक्स भी और थ्री वाले की फाइव भी। इस तरीके से हम लोग सभी क्वांटम नंबर्स जे बराबर तीन, जे बराबर चार, पाँच, छः, सात सभी क्वांटम नंबर्स के लिए प्रोफेशनल एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। बच्चों इसको तो अगर एनर्जी लेवल्स की तो कैसे शो करना पड़ेगा, ये इस तरीके से ये जे बराबर जीरो की एनर्जी थी ई जीरो बराबर जीरो, जे बराबर ए नंबर था तो ई वन बार बराबर टू बी। बच्चों यहाँ से यहाँ तक क्या है वो टू बी को बदल और जे बराबर टू होगा तो एनर्जी है ई टू बार बराबर टू वाले में सिक्स बी, जो गैप था वो बढ़ गया होगा फोर बी। इस तरीके से बच्चों ये हमने फॉर्मूला डिराइव किया है रिजिड रोटेटर के लिए जब मॉलिक्यूलर डायनेमिक हो तब के केस में। डायनेमिक रिजिड रोटेटर हमने डायनेमिक मॉलिक्यूल को ही कंसिडर किया है, मॉलिक्यूल पॉलीएटॉमिक भी हो सकते हैं बट वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। हमें केवल और केवल डायटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए ही रोटेशनल एनर्जी का फॉर्मूला और रोटेशनल लेवल्स उनके बीच के गैप्स को डिस्क्राइब करना है बता। आज के इतना ही, अगली क्लास में हम लोग ये गैप कैसे निकालते हैं और रोटेशनल स्पेक्ट्रम में जो पीक्स आएंगे उनके बीच का स्पेस कैसे डिसाइड करता है वो समझते हैं।